पिछले तीन दिन से जिस प्रकार से तिरंगे झंडे को लेकर के तिरंगा की यात्रा लेकर के देश चल पड़ा है, बड़े बड़े सोशल साइंस के एक्सपर्ट्स ये भी शायद कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे भीतर के अंदर कितने, मेरे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्थ्य है, एक तिरंगे झंडे ने दिखा दिया है। ये पुनर्चेतना पुनर्जागरण का पल है। ये लोग समझ नहीं पाए हैं जब देश जनता कर्फ्यू के लिए हिंदुस्तान का हर कोना निकल पड़ता है तब उस चेतना की अनुभूति है। जब देश ताली थाली बजा करके कोरोना वॉरियर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हो जाता है तब चेतना की अनुभूति होती है। जब दिया जला करके कोरोना वॉरियर की शुभकामना देने के लिए देश निकल पड़ता है तब उस चेतना की अनुभूति होती है। दुनिया कोरोना के कालखंड में वैक्सीन लेना या न लेना, वैक्सीन काम का है कि नहीं है, उस उलझन में जी रहा था। उस समय मेरे देश के गांव गरीब भी 200 करोड़ डोज दुनिया को चौंका देने वाला काम करके दिखा देते हैं। यही चेतना है, यही सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य ने आज देश को एक नई ताकत दी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तीसरा एक महत्वपूर्ण सामर्थ्य मैं देख रहा हूं, जैसे एस्पिरेशनल सोसाइटी, जैसे पुनर्जागरण, वैसे ही आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों, विश्व का यह बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है। हम जिस प्रकार से संकल्पों लेकर चल पड़े हैं, दुनिया इसे देख रही है और आखिरकार विश्व भी उम्मीदें लेकर के जी रहा है। उम्मीदें पूरे करने का सामर्थ्य कहां पड़ा है वो उसे दिखने लगा है। मैं इसे त्रिशक्ति के रूप में देखता हूं, तीन सामर्थ्य के रूप में देखता हूं। और ये त्रिशक्ति है एस्पिरेशन की, पुनर्जागरण की और विश्व की उम्मीदों की। और इसे पूरा करने के लिए हम जानते हैं दोस्तों, आज दुनिया में एक विश्वास जगने में मेरे देशवासियों की बहुत बड़ी भूमिका है। 130 करोड़ देशवासियों ने कई दशकों के अनुभव के बाद स्थिर सरकार का महत्व क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता का महत्व क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दुनिया में किस प्रकार की ताकत दिखा सकती है, नीतियों में कैसा सामर्थ्य होता है, उन नीतियों पर विश्व का कैसे भरोसा बनता है, ये भारत ने दिखाया है और दुनिया भी इसे समझ रही है। और हम जब राजनीतिक स्थिरता हो, नीतियों में गतिशीलता हो, निर्णयों में तेजी हो, सर्वव्यापकता हो, सर्वसमावेशकता हो, तो विकास के लिए हर कोई भागीदार बनता है। हमने सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के हम चले थे, लेकिन देखते ही देखते देशवासियों ने सबका विश्वास और सबका प्रयास से उसमें और रंग भर दिए हैं। और इसलिए हमने देखा है हमारी सामूहिक शक्ति को, हमारे सामूहिक सामर्थ्य को हमने देखा है। आजादी का अमृत महोत्सव जिस प्रकार से मनाया गया, जिस प्रकार से हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान चल रहा है, गांव गांव के लोग जुड़ रहे हैं, कार सेवा कर रहे हैं, अपने प्रयत्नों से अपने गांव में जल संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चला रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे गरीबों के कल्याण का काम हो, देश आज पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है।
लेकिन भाइयों बहनों, हम लोग आजादी के अमृत काल में हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गौरवगान ही करते रहेंगे, अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे, तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे।